नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में जान रहे थे, जो हमारे पार्ट टू पेपर बी में है, देखिए, जिसमें हम लोगों का संस्कार चल रहा था, जिसमें हमारा संस्कार चल रहा था। देखिए, संस्कारों में अगर हमें पढ़ना है तो मैंने आपको बता चुका हूँ हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, संस्कारों में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, अगला आता है जात कर्म, जात कर्म संस्कार, संस्कार जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाय बर्थ रिचुअल। देखिए, बाय बर्थ रिचुअल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बाय बर्थ रिचुअल इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब एक बच्चे का बर्थ हो जाता है, यानी एक बच्चे का जब जन्म हो जाता है, उसके बर्थ के बाद में उसके साथ कुछ रिचुअल्स की जाती है। जो फादर होता है, जैसे जो चाइल्ड है, चाइल्ड का जैसे ही बर्थ हुआ, बर्थ होने के तुरंत बाद जो फादर होता है वो फादर क्या करता है भाई, आराम से नहा धो करके आता है। जो जैसे हमारे डोर्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं, उन गेट के जो नीचे साइड जो एक चीज लगी हुई होती है, उसको माथा टेकता है। उसके बाद वो बच्चे के पास हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल या जहां पे भी बच्चे का जन्म हुआ, वहां पे जाने के बाद जो चाइल्ड है, चाइल्ड को अपनी गोद में लेता है, और बच्चे को गोद में लेने के बाद अपनी फोर्थ फिंगर से उसको या तो दूध या फिर शहद वगैरह, जो हनी होती है, हनी या फिर जो घी होता है, घी हुआ, शहद हुआ या दूध हुआ, इसको अपनी चीटी उंगली से उसको चटाता है और उसके कान में एक मंत्र का उच्चारण करता है, और मंत्र है, जैसे हम बात करें, मंत्र है दीर्घ आयु भवः, यानी ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद फिर मम्मी के गोद में वापस दिया जाता है, यानी मदर के पास वापस इस बच्चे को दिया जाता है, और मम्मी को देख करके पहली बार माँ का जो दूध होता है उसको बच्चे को पिलाया जाता है। ये चीज में भी समझ गए होंगे आप, जात कर्म संस्कार या बाय बर्थ रिचुअल क्या होता है। पहली बार जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, जो पापा होते हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं या जहां भी बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के जो नहा धो करके, देली को चूम करके, जो उसकी चौथी उंगली होती है, लास्ट फिंगर ऑफ द हैंड, उससे वो मिल्क हनी को चटाता है, ताकि उसको क्या रहे भाई, कुछ मीठेपन का स्वाद आए और जीवन भी उसका थोड़ा सा मिठास में निकल जाए, और उसके कान में दीर्घ आयु भव का एक मंत्र का उच्चारण कर देता है। इसके बाद में वापस मम्मी को वो गोद में देता है, यानी मम्मी को बच्चे को देगा, और बच्चे को देने के बाद में मम्मी उसे पहली बार दूध का सेवन करवाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो चीज आती है हमारी, जैसे मैंने आपको जात कर्म के बारे में आपको बताया, जात कर्म के बाद में भाई अगला कौन सा आ जाता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, नामकरण, गिविंग द नेम, कौन सा आ जाता है भाई, नामकरण, गिविंग द नेम, नामकरण। अब भाई नामकरण से क्या मतलब होता है, कि जब बच्चा 10 से 12 दिन का हो जाता है, after the birth of a child 10 to 12 days between 10 to 12 days, यानी 10 से 12 दिन के बाद जो पिता होते हैं, यानी जो फैमिली होगी,
वो फैमिली एक घर में यज्ञ 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 करवाएगी, यज्ञ के साथ साथ ब्राह्मण को बुलाएगी, ब्राह्मण ब्राह्मण को बुलाएगी, ब्राह्मण जो एक भगवान की तस्वीर लगा देगा उसके सामने तीन चार चीजें रख दी जाएगी, यानी एक जगह कैपिटल रखी होगी यानी पैसे रखे होंगे, एक जगह कोई सी बुक्स वगैरह रख दी होगी और एक साइड कुछ और रख दी होगी। तो बच्चे को वहां पे लेटाया जाता है इसके साइड में, जैसे यहाँ लेटा दिया बच्चे को, और लेटाने के बाद में जिस भी चीजों पर पहली बार वो हाथ लगा देता है उसके माध्यम से ही उसका क्या रखा जाता है भाई, उसका नाम रख दिया जाता है जिस चीज के पे ऊपर वो नाम रखता है। अब भाई नाम क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों इंपोर्टेंस रखाता है किसी के भी लाइफ में, नाम नाम इसलिए इंपोर्टेंट होता है क्योंकि ये देखा जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो नाम है उसके अनुसार ही ये डिसाइड होता है कि जो बच्चा होगा वो इन फ्यूचर जा करके किस मेंटालिटी का बनने वाला है। आप देखिए हमारे पास में बहुत सारी हमारी राशियां होती हैं, क्या किसी की कुंभ है तो किसी की मेष है, यानी अलग अलग टाइप्स की राशियां हैं, उन राशियों के अनुसार ही हमारा क्या होता है भाई लाइफ टाइम वही राशियों के अनुसार हमारा डिसाइड होता रहता है कि भाई हमारी मेंटालिटी कैसी रहने वाली है, हम किस एरिया में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे नामकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नामकरण के बाद की अगर बात करें, नामकरण जैसा हमने पढ़ा नामकरण की अगर की बात करें तो नामकरण के बाद जो अगला आता है वो आता है निष्क्रमण, टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर। अगला कौन सा आता है भाई, निष्क्रमण, निष्क्रमण इसका मतलब है टेकिंग द चाइल्ड चाइल्ड आउटडोर, टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर यानी बच्चे को घर से बाहर निकालना। बच्चे को कहां से निकालना भाई, बच्चे को घर से बाहर निकालना। अब भाई पूरी तरह से बच्चे को बाहर नहीं निकालना है, ये चीज ध्यान रखिए कि भाई बच्चे को और माँ को बाहर फेंक दिया हमने ले जा करके, ऐसा नहीं होता है। यानी अगर बाहर की ओर जाना यानी निष्क्रमण का मेनली जो अर्थ होता है, हालांकि ये मैंने जरूर इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आपको इंग्लिश में काम नहीं आना है, आपको हिंदी में ही लिखना होगा। आपका जो पेपर होगा मेंस का उसमें आपको हिंदी में ही ये चीजें लिखनी होंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। आप लोग देखिए साथियों, इसके बाद क्या होता है कि भाई बाहर की ओर ले जाना यानी टेकिंग द चाइल्ड, इसका मतलब क्या होता है टेकिंग द चाइल्ड आउटसाइड, चाइल्ड आउटसाइड आउटसाइड द हाउस, यानी घर से बाहर ले जाया जाता है। क्या होता है ये, क्यों मैं इंपॉर्टेंट क्यों रखाता है भाई, इसमें क्या फीचर्स हैं? तो इसके ये इंपॉर्टेंस है या फीचर्स हैं कि भाई सबसे पहले जो बच्चा होता है, जब बच्चा लगभग जब बच्चा हमारा 3 मंथ का हो जाता है, जब बच्चा कितने मंथ का हो गया, लगभग 3 मंथ का हो गया। अब जब इसका यानी टेन्योर है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें बताई हैं कि भाई जब तक बच्चा 3 महीने का हो गया, और जब बच्चा 3 महीने का हो गया उसके बाद में क्या रहता है कि जो फादर हैं वो फादर मदर को, मदर एंड चाइल्ड को घर से बाहर निकालते हैं, और घर से बाहर निकालने के बाद में उन्हें सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, यानी सूर्य नमस्कार यानी सूर्य की ओर देख करके प्रणाम करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है संस्कार, इसीलिए इंपोर्टेंस रखाता है ये, ताकि जो चाइल्ड है वो हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहे। दूसरी चीज में क्या रहता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा और माँ यानी मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड इन दोनों को, बच्चे को और माँ को पहली बार, फर्स्ट टाइम टेंपल में ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है भाई, मंदिर में ले जाया जाता है। और जब मंदिर में ले जाया जाता है बच्चे को और माँ को, ताकि जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो अपनी बच्चे के ऊपर कृपा बरसा के रखें। तो ये संस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि जो
जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, वो बच्चे में एक कृपा बरसा दे कि ना भाई। और यहाँ पे वापस से जो पिता है वो भी देवतुल्य हो जाते हैं बच्चे के लिए, इसलिए बच्चा वापस से यहाँ पे आकर के वही वही मंत्र दीर्घ दीर्घ आयु भव दीर्घ आयु भव का ही एक मंत्र का उच्चारण उसके कान में बोलता है। देखिए निष्क्रमण का मतलब क्या होता है कि घर के बाहर ले जाना, इसमें क्या रहता है इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक तो टाइम ड्यूरेशन है भाई 3 महीना, यानी 12 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच में कभी भी ये संस्कार हो सकता है। जो पापा मम्मी होते हैं, जो पापा होते हैं वो मम्मी और बच्चे को, यानी जो पापा हैं वो मम्मी और बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जा करके नमस्कार करवाएंगे सूर्य के, ताकि सूर्य की तरह बच्चा हमेशा चमकता रहे। अगली चीज रहती है जो मम्मी और बच्चा है उसको पहली बार फर्स्ट टाइम टेम्पल में ले जाया जाता है ताकि भगवान से आशीर्वाद दिलाया जा सके। और वहीं पे जो पिता होते हैं वो दीर्घ आयु भव का एक मंत्र का उच्चारण यहाँ पे कर देते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या आती है भाई, जैसा हमने देखा हम संस्कार वगैरह के बारे में देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि MPPSC 2021 के जो पेपर हुए हैं उस 21 के पेपर में इस बार रिचुअल से क्वेश्चंस आए थे। बिफोर बर्थ वाले आपके क्वेश्चंस यहां पे आए थे। जो अगला होता है, अगला जो होता है वो होता है अन्नप्रसन्न। अगला होता है अन्नप्रसन्न। नेक्स्ट कौन सा है भाई, अन्न प्रसन्न। अगला कौन सा होता है, अन्न प्रसन्न। देखिए यानी इसका मतलब है गिविंग दी चाइल्ड फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड, यानी बच्चे को पहली बार सॉलिड फूड खिलाना। देखिए भाई, जब बच्चा जो चाइल्ड है, जब बच्चा कितने दिन का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है। जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है यानी जब 6 महीने चलते रहते हैं तब बच्चा केवल मदर मिल्क पर ही डिपेंडेंट होता है, यानी माँ के दूध पर ही ये डिपेंडेंट होता है। अब क्या होता है, बच्चे में न्यूट्रिशन बना रहे और बच्चे को न्यूट्रिशन मिल जाए, इसीलिए फर्स्ट टाइम बच्चे को 6 महीने का हो जाता है जब मिल्क हनी या घी या बटर एंड सॉलिड राइस बच्चे को खिलाए जाते हैं, यानी पके हुए चावल बच्चे को खिलाया जाता है। दूध घी हुआ, बटर हुआ, उसके बाद हनी हुई, इनको उससे चटाया जाता है, खिलाया जाता है जब जाकर के ये संस्कार पूरा होता है। अब भाई वजह क्या होती है कि भाई बच्चे को सॉलिड फूड खिलाना है, मेनली क्या रहता है अन्न प्रसन्न में कि भाई बच्चा ना माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब भाई कब तक बच्चा दूध के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए पहली बार उसके मुंह में कुछ रख दिया जाता है ताकि वो उसको थोड़ा सा खा करके एक न्यूट्रिशन बना सके। ताकि न्यूट्रिशन बनाने से क्या होगा, उसकी जो मेंटली वो एक मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है। खिलाने से क्या होता है भाई, बच्चा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रोंग होता है, मेंटली और फिजिकली बच्चा स्ट्रोंग होने लगता है, इसीलिए अन्न प्रसन्न हमें संस्कार का आयोजन करवाया जाता है। ये चीज भी हमें भाई ध्यान रखना है, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी जो बच्चा होता है, जब छोटा होता है तो मम्मी के दूध के ऊपर ही डिपेंड करता है, बाद में 6 महीने के बाद में उसे जो बच्चा होता है उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। और वो खिलाया पिलाया क्या जाता है, और वो किस संस्कार में होता है भाई, अन्नप्रसन्न में होता है। कितने महीने में होता है भाई, 6 मंथ में ये आयोजन करवाया जाता है। यही क्या है,
मेंटली और फिजिकली, ताकि वो मेंटली और फिजिकली अच्छे से प्रिपेयर हो सके, अच्छे से उसकी जो नेसेसिटी है जो उसके शरीर को चाहिए वो मिल सके और उसका मेंटली और फिजिकली वो स्ट्रोंग बन सके, इसीलिए इसका आयोजन भी करवाया जाता है। ये चीज हमको ध्यान रखना है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है चूड़ामन या चोल कर्म, हेयर कटिंग, चूड़ामन या चोल कर्म। अगला कौन सा आता है भाई? चूड़ामन, चूड़ामन या चूड़ामन। अगला कौन सा आ जाता है भाई? चूड़ामन, चूड़ामन संस्कार, चूड़ामन या चूड़ा कर्म, इसको बोलते हैं हेयर कटिंग, हेयर कटिंग, हेयर कटिंग रिचुअल। इसको क्या बोलते हैं? हेयर कटिंग रिचुअल, हेयर कटिंग रिचुअल। अब हेयर कटिंग रिचुअल क्यों इंपॉर्टेंट हो वो देख लीजिए भाई। ये मेनली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हेयर कटिंग रिचुअल, हेयर कटिंग रिचुअल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जैसे बच्चे में एक ब्यूटीनेस आ सके, यानी बच्चा थोड़ा सा अच्छा हो सके, इसका माना जाता है। यानी एक अगर हम जनरल भाषा में बात करें चूड़ामन को, जनरल भाषा में बात करें चूड़ामन, चूड़ामन, चूड़ामन की अगर हम जनरली बात करें तो चूड़ामन को जनरल लैंग्वेज या फिर डोमेस्टिक लैंग्वेज में, चूड़ामन को डोमेस्टिक लैंग्वेज में क्या कह दिया जाता है भाई? चूड़ामन को डोमेस्टिक भाषा में क्या कह दिया जाता है? मुंडन, मुंडन, मुंडन। इसको क्या कह देते हैं? तो इसको कह देते हैं मुंडन। हाँ भाई, मुंडन कब करवाया जाता है? जब बच्चा 3 से 3-2, यानी इसकी इस संस्कार की टाइमिंग क्या होती है? इस संस्कार की टाइमिंग होती है 3 to 5 years, 3 to 5 years। और अलग अलग जैसे विद्वानों ने अलग अलग बताया है, किसी ने बोला है कि 3 years के बीच में हो जाना चाहिए, कोई कोई बोलते हैं 5 years में होना चाहिए, कोई कोई 7 साल का भी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग किस पे आए भाई? 3 to 5 years के बीच में बच्चे के जो हैं वो बालों को कटवा देना चाहिए। बालों को क्या कर देना चाहिए भाई? इसमें हेयर कटिंग्स करवा देनी चाहिए, हेयरों की कटिंग करवा देनी चाहिए। और जब ये बाल कट जाते हैं उसके बाद जो गाय होती है, जो काउ है, काउ डंग जिसको हम बोल दें कि भाई जो काउ है, काउ के या फिर गाय के जो गोबर होता है, उस गोबर में हमें इन बालों को छुपा देना चाहिए। और अगर से कोई इन बालों को अगर कोई निकाल करके जला देता है तो बच्चा भी जीवन भर जलता रहता है। यदि बच्चे के वो जो बाल हैं जो उनको जमाल बोल देते हैं, उन जमालों को हम कहाँ पर रख दें भाई? गाय के गोबर में उसको छुपा दें। छुपाने के बाद में वो मिट्टी में मिला दें उसको, ताकि क्या रहता है भाई, उससे होता क्या है? उससे सबसे बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई जो बच्चा है उसमें ब्यूटीनेस आ जाती है, बच्चे में ब्यूटीनेस बढ़ती है। और ब्यूटीनेस बढ़ने के साथ साथ जो क्या रहता है कि भाई जो शरीर होता है उसका वो थोड़ा सा स्वच्छ रहता है। और आप देखिएगा जब भी बच्चे के बाल कटवा दिए जाते हैं उसके बाद इधर से बस जो हमारा सेंटर होता है हेड का, उस सेंटर में कुछ बाल छोड़े जाते हैं और वो हमेशा, कोई कोई उसको जीवन भर भी रख लेते हैं और कोई कोई आगे चल करके उनको कटवा भी देते हैं। तो इसीलिए संस्कार इंपॉर्टेंट होता है ताकि ब्यूटीनेस बच्चे में आ सके। और ब्यूटीनेस के साथ साथ जो उसका शरीर है, जो उसका शरीर है वो बिल्कुल जो मल है उससे दूर हो जाए। देखिएगा ना आप, अगर से आप खाना खाते रहें और उसमें बाल आ जाए तो आप उठ करके दूसरी प्लेट में वो सब्जी लेंगे जिसमें बाल आया था, या जिस थाली में, जिस रोटी में बाल आया था उसको कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि उन बालों को हम गंदगी माना जाता है। बालों को क्यों माना जाता है भाई? गंदगी माना जाता है। इसीलिए पहली बार के बाल जो होते हैं माँ की कोख से ही वो निकल के आते हैं, इसीलिए वो गंदे माने गए हैं संस्कारों में, इसीलिए उनको कटवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा चूड़ामन संस्कार होता है। इसके बाद आता है लास्ट वाला, इसमें ही वो होता है कर्णवेद, ईयर प्रेसिंग, पियरिसिंग।
देखिए कर्ण वेद को पढ़ लेते हैं भाई, कर्ण वेद को समझ लेते हैं। अब कर्ण वेद क्या है? कर्ण भेद या कर्ण भेद संस्कार, संस्कार कर्ण भेद रिचुअल, कर्ण भेद रिचुअल, कर्ण भेद रिचुअल। कर्ण भेद रिचुअल से क्या अर्थ निकलता है भाई? कर्ण भेद से रिचुअल से एक चीज आती है सामने कि जब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाता है, यानी 5 से 6 साल का हो जाता है, 5 से 6 साल के बीच में जब बच्चा होता है तो जो उसके ईयर्स होते हैं यानी जो उसके कान होते हैं, कान को ना छिदवा देना चाहिए, कान को छिदवा देना चाहिए। क्या रहता है, पुराने जमानों में अगर कोई भी नया कार्य किया जाता था तो जो बालक होते थे उनको पकड़ करके उसको वहां पे मार दिया जाता था, यानी बलि दे दी जाती थी, और बलि देने के बाद में उसको ये माना जाता था कि जो भी चीजें हम बनवाएंगे वो किस तरह की रहेगी भाई, वो मजबूत रहेगी, क्योंकि जो नीचे से आत्मा होगी वो उसको सहारा लगाती रहेगी। ये हमारी एक धारणाएं थी। अब इसलिए इसको मेनली क्यों करवाया जाता है ये, तो कि भाई जन्म से 5वें से 6वें साल के बीच में इसको करवाया जाता है, रीति रिवाजों में आता है हमारा। क्या रहता है, बच्चे को ईस्ट की दिशा में बिठा दिया जाता है, ईस्ट की दिशा में बैठा दिया जाता है, यानी पूर्व की दिशा में, डायरेक्शन में, डायरेक्शन में इसको बच्चे को बिठा दिया जाता है, और उस डायरेक्शन में बिठाने के बाद में उसके पहली बार कान छेद दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बलि दी जाती थी, तो ये माना जाता है कि किसी बच्चे का अगर अंग कोई भी कटा हुआ है तो उसकी बलि मान्य नहीं होती थी, इसीलिए बच्चों के शुरू से ही क्या करवा दिए जाते थे भाई, कानों में बालियां यानी रिंग्स पहना दी जाती थी। साथियों इतना आप लोग अभी समझ गए होंगे कि भाई आफ्टर द बर्थ रिचुअल्स कौन कौन से होते हैं जो हमने पढ़े हैं, आफ्टर द रिचुअल्स कौन कौन से होते हैं जो हमने पढ़े हैं, या बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई जैसे हमने पहला पढ़ा बाय बर्थ रिचुअल, बाय बर्थ रिचुअल के बाद में हम लोगों ने देखा था, बाय बर्थ रिचुअल के बाद में हम लोगों ने देखा था गिविंग द नेम, फिर थर्ड वाला था टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर, फिर था अन्नप्रसन्न, अन्नप्रसन्न के बाद में था चूड़ामन, चूड़ामन के बाद था कर्ण भेद, चूड़ामन के बाद कौन सा था कर्ण भेद। तो आप लोगों ने अच्छे से इस चीज को समझ लिया होगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।